लोकतंत्र शर्मसार, दिल्ली में एमसीडी सदन बना सियासी रणभूमि। टला स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, आप बीजेपी में तनाव। बोतलें फेंकी, फाड़े पेपर, बैलेट बॉक्स फेंका। कल सुबह 10 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित। हंगामा, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप, बार बार चुनाव टलना। सुप्रीम कोर्ट तमाम विवाद के बाद आखिरकार दिल्ली को नया मेयर तो मिल गया। दिल्ली के एमसीडी चुनाव यानी कि दंगल में आज आम आदमी पार्टी की झाड़ू तो चल गई, लेकिन एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। मामला यही नहीं रुका, बल्कि बोतलें फेंकी गयी, पेपर फाड़े गए, बैलेट बॉक्स फेंका गया, जूठा सेब एक दूसरे के ऊपर फेंके गए, लात भूसे भी चले। यहाँ तक कि आप पार्षद ने बीजेपी काउंसलर को थप्पड़ तक जड़ दिया। जरा सोचिए, जिन पार्षदों पर दिल्ली की नगर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी है, वो एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंक रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऑलवेज वी वांटेड अ पीसफुल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, बट भारतीय जनता पार्टी काउंसलर्स अगेन क्रिएटेड रकस इन द हाउस without any base. Again, because of that ruckus, because of that hangama, we had to adjourn the house 13 times, and which is very shameful. They did not respected the house, they did not respected the constitution again, they did not respected the democracy again. So this is very much shameful, and again we are expecting peaceful elections tomorrow also. They are saying that you are afraid of the cross voting. See, why we will be afraid? Delhi people have given us the mandate. We have the numbers. Why we will be afraid? In fact, they are afraid. They know they are losing because they have lost in mayor elections, they have lost in deputy mayor elections. So they are much afraid. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए आपकी तरफ से 4 और भाजपा की तरफ से 3 नामांकन दाखिल किए गए थे। हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता था कि वो एक सदस्य की सीट खो रहे हैं, इसलिए उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने मोबाइल फोन की अनुमति दे दी, इससे मतदान की गोपनीयता भंग हो गई। एमसीडी के मेयर ने पक्षपातपूर्ण काम किया। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी यानी कि स्थायी समिति के चुनाव होने थे, लेकिन इन चुनाव में बुधवार को रात भर सियासी ड्रामा चलता रहा जो गुरुवार तक जारी रहा। भारी बवाल के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के दौरान आप और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी, जूठे सेब फेंके। इस हंगामे के लिए बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेयर शैली ओब्रॉय ने बीजेपी मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पोडियम तोड़ दिया, साथ ही नुकसान करने वालों से वसूली करने की बात भी कही। दरअसल दिल्ली के मेयर चुनाव में इस बार कमल नहीं खिल पाई और काफी समय से चल रहे उठापटक के बीच आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओब्रॉय ने इस चुनाव में बाजी मार दी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हरा कर दिल्ली के मेयर की कुर्सी अपने नाम कर लिया और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओब्रॉय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गयी, जो कथित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आप सोचो, मेयर या प्रेजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस बार भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदर आप मोबाइल ले जाएं किसी भी इलेक्शन में, और जल्दी जल्दी में 15 मिनट के अंदर अंदर 40-45 लोगों ने वोट डाला है। अब जो बैलेट है वो 55 लोगों को दिए गए और 40-45 लोगों ने वोट डाला है। ये इनसे बैलेट अकाउंट हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आप बैलेट अकाउंट दे दीजिए, तो ये बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं वहां। जब मोबाइल ले जा रहे हैं, बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं, बैलेट पेपर खुले में बाहर घूम रहे हैं, तो उस चुनाव का सेंस क्या रह जाती है? वो चुनाव अल्ट्रा वायरस वहीं हो जाता है। हमारी डिमांड है कि चुनाव नए सिरे से 1 से 250 तक कराया जाना चाहिए और बिना मोबाइल के कराया जाना चाहिए। तो ये कहीं से भी अनुचित डिमांड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, वरना ये चुनाव
होते भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं होने देती। ये शुरू से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेयर बनेगा इनका, डिप्टी मेयर इनकी बनेंगे, और सबने देखा कि अंततः ये आज मेयर का भी हारे, डिप्टी मेयर का भी हारे, और अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी। बता दें कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शैली ओब्रॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। दिल्ली के एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में चप्पल जूते लात घूसे सब चले, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए इनको सदन में भेजा जाता है, लेकिन अफसोस ये है कि ये लोग लोकतंत्र के मंदिर में हाथ में उठा रहे हैं बोतल, जूते, चप्पल, एक दूसरे पर हाथ, जो कहानी है एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की। आखिर में सवाल यही कि इस प्रकार की स्थिति बनी कैसे, इस हंगामे का जिम्मेदार कौन है? जिसने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।